हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का? कैसे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। आइए आगे शुरू करते हैं लेक्चर अपना। आज का जो सब्जेक्ट है, व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत। सब्जेक्ट क्या है? व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, व्यवसाय प्रबंध के सिद्धांत में आज हमारा दूसरा चैप्टर अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में है प्रबंध के प्रकृति क्षेत्र एवं महत्व। टॉपिक है प्रबंध के क्षेत्र, प्रकृति व महत्व। ठीक है, यह हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं प्रबंध के प्रकृति। ध्यान दीजिएगा, प्रबंध के प्रकृति। प्रबंध जो है, मैनेजमेंट है, इसका नेचर कैसे है? प्रबंध का प्रकृति कैसे है? तो यह माना गया है कि प्रबंध को एक कला भी माना गया है, प्रबंध को एक विज्ञान भी माना गया। ठीक है, मतलब कि प्रबंध के प्रकृति कितने हैं? दो। आइए इसको दो पार्ट में हम बता रहे हैं कि प्रबंध क्या है? एक कला है। प्रबंध क्या है? प्रबंध एक कला है। एक कला है। और दूसरी ओर प्रबंध एक विज्ञान। प्रबंध एक क्या है? विज्ञान। अब हमें यह जानना है कि प्रबंध कला कैसे है और विज्ञान कैसे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कला की। कला क्या होता है? जब किसी भी प्रकार के ज्ञान को विशेष योग्यता व दक्षता के साथ, विशेष ज्ञान, अनुभव, दक्षता, शिक्षण, प्रशिक्षण के द्वारा, मतलब ऐसा ज्ञान जो विशेष योग्यता के द्वारा, शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त किया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? कला कहा जाता है। तो सबसे पहले अभी कला ही की ओर जिक्र कर रहे हैं। कला में निम्न तत्वों का होना जरूरी है। कला में वो कौन कौन से तत्व हैं जो शामिल हो? ऐतिहासिक तत्व। तो क्या है? जैसे मैनेजमेंट है, इसकी उत्पत्ति यह माना गया है कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। कब हुई थी? 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। लेकिन धीरे धीरे इसका विकास होता गया, दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, और आज व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में, यहां तक कि व्यवसाय क्या, इस पृथ्वी पर जितने भी सेक्टर्स हो रहे हैं, सब में मैनेजमेंट का काम किया जाता है। तो इसकी पिछले जो ऐतिहासिक तत्व है, उनको भी ध्यान में रखकर प्रबंध करना चाहिए। अर्थात पुराने पैटर्न के आधार पर हम नए पैटर्न पे जब चलते हैं, तो ये क्या कहलाता है? कला। मतलब पिछली चीजों के आधार पर हम नए चीजों को हम खोज करते हैं, उसके आधार पर चलते हैं, उसके पैटर्न पर चलते हैं, तो हमारा कला कहा जाता है। कला का मतलब होता है उसकी नकल एक करना, लेकिन वह नकल विशेष ज्ञान, योग्यता, प्रशिक्षण के द्वारा करना, अनुभव के द्वारा करना, ही ऐतिहासिक तत्व के अंतर्गत आता है। दूसरा इसका तत्व होना है व्यक्तिगत दक्षता का अनुभव। व्यक्तिगत दक्षता का अनुभव का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत दक्षता का अनुभव या प्रभुत्व का मतलब यह होता है कि कला वह है जिसमें व्यक्तिगत दक्षता हो, अपने आप में एक कला हो, एक अपने आप में एक कोई नई जानकारी हो। ठीक है,
अर्थात किसी न किसी विषय पर अपना एक पकड़। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, साइंस आर्ट कॉमर्स जो भी स्ट्रीम पढ़ते हैं, चाहे कॉमर्स ही पढ़ते हैं, उसमें किसी एक विषय पर पकड़ यदि आपकी होती है तो उस पर प्रभुत्व माना जाता है, वो अनुभव प्राप्त व्यक्ति माना जाता है। तो व्यक्तिगत दक्षता का उस पर अनुभव होना चाहिए। ठीक है, प्रबंध एक कला में तीसरा तत्व तो होता है अभ्यास व अनुभव द्वारा सुधार। क्या होता है? अभ्यास एवं अनुभव, अनुभव द्वारा सुधार। कला के अंतर्गत यह भी निरंतर जारी होना चाहिए कि उसमें निरंतर अभ्यास होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए, हर एक अभ्यास में उसको सुधार करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, लिख रहे हैं, लिखने के ऊपर एग्जाम्पल दे रहे हैं, लिख रहे हैं तो लिख तो ले रहे हैं, लेकिन अच्छा कैसे लिखेंगे? तो उस पर निरंतर अभ्यास करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे। उस अभ्यास में हम यह देखेंगे, अनुभव करेंगे कि पहले से वो बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा, और यदि नहीं हो रहा है तो उसमें अवश्य सुधार करेंगे। यह यदि कार्य करते हैं तो क्या कहलाता है? कला कहा जाता है। तो प्रबंध भी एक कला है। हम जो इसे कल किए थे उससे बेहतर आज करना और आज से बेहतर आने वाले समय में करना ही कला है। अगला है परिस्थिति के अनुसार। अगला क्या है? परिस्थिति के अनुसार निर्णय। परिस्थिति के अनुसार निर्णय। परिस्थिति के अनुसार निर्णय का मतलब है कि जैसा सिचुएशन डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। ऐसा नहीं परिस्थितियां भिन्न हैं और अपने अनुकूल ले रहे हैं। यदि भिन्न है तो उसी के अनुसार आप क्या करें? डिसीजन, तभी वो कला माना जाएगा। ऐसा नहीं कि चार लोग, पांच लोगों का ग्रुप है, चार लोग एक मत है, आप अकेले हैं तो अपनी ही वाली करें। नहीं, उनके अनुसार आपको चलना, तो ही आपका क्या है? कला है। अगला लास्ट है कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति यूं दूरदर्शिता। दूरदर्शिता मतलब एक अच्छा कला तब माना जाएगा, मैंने प्रबंध को एक कला तब माना जाएगा कि जब उस व्यक्ति में, उस मैनेजमेंट में, उस मैनेजर में सोचने विचारने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति, दूरदर्शी हो, माने आने वाले फ्यूचर को, आने वाले कल को वो पहचान सके, तभी वो कला माना जाएगा। इसलिए प्रबंध को क्या कहा गया? एक कला कहा गया। अब प्रश्न आता है कि विज्ञान, विज्ञान क्या होता? विज्ञान का मतलब होता है ज्ञान की खोज करना। विज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान की खोज करना। जब किसी सुसज्जित व्यवस्थित ज्ञान की खोज की जाती है जिसमें निश्चित कारण और परिणाम का संबंध है। कारण परिणाम का मतलब जैसे ये चौक है, ऊपर गया नीचे आया, ये क्या है? कारण और परिणाम। कारण माने हमने किसी बेग से ऊपर फेंका, परिणाम हुआ कि उसको भले फेंक रहे हैं लेकिन आना ही आना है, तो क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान में भी कुछ तत्व शामिल है। विज्ञान में कौन कौन से तत्व शामिल है यह जानिए। किस लिए इसे विज्ञान माना गया? पहला है विज्ञान में कल्पनाओं व सिद्धांतों का प्रतिपादन। कल्पनाओं और सिद्धांतों का प्रतिपादन का मतलब है कि कल क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसका कल्पना करना और उस पर अपनी थ्योरी, अपने रूल्स को लागू करना ही विज्ञान कहलाता है। हम जो कल होने वाला है उसके बारे में आज ही प्लानिंग करके उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं कि कल ठीक होगा, तो उसी को कल्पना और सिद्धांतों का प्रतिपादन कहा जाता है। अगला है प्रबंध के नियमों की सार्वभौमिकता। प्रबंध के नियमों की सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता
प्रबंध के नियमों की सार्वभौमिकता का मतलब क्या है कि प्रबंध के जो नियम है, रूल है, वो या उसके सिद्धांत है, उसके मतलब फार्मूले हैं, वो सार्वभौमिक होने चाहिए, क्योंकि विज्ञान का भी नियम है कि सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब है सभी जगह एक समान रूप से लागू होने चाहिए। तो प्रबंध के नियमों की भी सार्वभौमिकता, मतलब जो रूल यहां लागू है वही दिल्ली में भी लागू हो, वही अमेरिका में भी लागू हो, हर जगह एक समान रूप से लागू होने चाहिए। अगला है, लास्ट तीसरा है, कारण और परिणाम का संबंध। कारण और परिणाम का संबंध, कारण और परिणाम का संबंध मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए और उसका कुछ रिजल्ट भी निकलना चाहिए। साइंस ये नहीं है कि हम काम करते गए उसका कोई परिणाम ना, साइंस ये है काम हम निरंतर करें लेकिन उसका कुछ परिणाम भी हमें प्राप्त हो, तो उसमें कारण और परिणाम का संबंध होना चाहिए। तो ये आपका टॉपिक था प्रबंध की प्रकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ विद्वानों के द्वारा यही कहा गया है कि प्रबंध को कला कहा गया, कुछ विद्वानों के द्वारा प्रबंध को एक विज्ञान कहा गया। प्रश्न अभी ये उत्पन्न होता है कि प्रबंध कला है या विज्ञान। तो यह माना जाएगा कि प्रबंध कला भी है और प्रबंध विज्ञान भी है। कला इसलिए है उसमें विशेष ज्ञान, योग्यता, शिक्षण, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, पर विज्ञान उसमें इसलिए है इसके नियम सार्वभौमिक होते हैं, सभी जगह एक समान रूप से लागू होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को फॉलो किया जाता है जिससे कुछ रिजल्ट भी प्राप्त होता है। तो ये क्या है, कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि मैनेजमेंट में जब तक इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता होगी या यूज किया जाएगा इसका, तभी सही तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंध का प्रकृति तो हो गया, एक चीज और भी कहा गया है कि क्या प्रबंध पेशा है। आइए इसको इस टॉपिक के बता रहे हैं, क्या प्रबंध पेशा है, क्या प्रबंध क्या पेशा है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि पेशा क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी प्रकार के ज्ञान पढ़ लिख कर, मतलब शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा हम प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं तो हमारा पेशा कहलाता है। पेशे में वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं किया जाता, अपनी सेवाओं का प्रदान किया जाता है और उसके बदले में मूल्य प्राप्त किया जाता है, तो वही हमारा पेशा कहलाता है। तो क्या मैनेजमेंट को भी पेशा कहा गया है? कहा गया कि मैनेजमेंट क्या है, एक पेशा है। देखते होंगे कि मैनेजमेंट की स्पेशली पढ़ाई होती है, जैसे कि बीबीए करते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए करते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और भी इसके आगे सारे कोर्सेस वगैरह मैनेजमेंट का करते हैं, तमाम डिप्लोमा कोर्सेस मैनेजमेंट का है। तो क्या है, एक पेशा है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब उस पढ़ाई को करने के बाद से हम उस प्रोफेशन से जुड़ जाते हैं और उसी प्रोफेशन के अनुसार कार्य करते हैं। आज तमाम तरीके के प्रोफेशन है, जैसे टीचिंग का प्रोफेशन है, डॉक्टरी का प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग का प्रोफेशन है, ये क्या है, सब प्रोफेशन है। इसमें अपनी सर्विस दी जाती है, सर्विस के बदले मूल्य लिया जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन। प्रोफेशन होने के संबंध में भी इसके कुछ तथ्य कहे गए। वो तथ्य क्या है, प्रोफेशन क्यों कहा गया है इसको? प्रोफेशन इसलिए कहा गया है कि इसमें नैतिक मानदंडों का पालन होता है, नैतिक मापदंडों का पालन, का नैतिक मापदंडों का पालन किया जाता है। नैतिक मानदंड मतलब कि बस व्यक्ति को विशेष ज्ञान योग्यता होने के साथ साथ उसके नैतिक गुणों का भी होना चाहिए और उसका पालन होना आवश्यक है। अगला क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान व तकनीकी ज्ञान, तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। मतलब उसको कंटिन्यू पेशे के अंतर्गत ये होता है,
कि लगातार नए नए चीजों के बारे में खोजा, क्रमबद्ध अध्ययन करता रहे उस पेशे के बारे में, निरंतर लगा रहे, कार्य करता रहे, साथ साथ टेक्निकल मेथड भी वो खोजता रहे, टेक्निकल तकनीकी ज्ञान भी वो खोजता रहे। तो मैनेजमेंट में क्रमबद्ध ज्ञान और तकनीकी ज्ञान का भी होना आवश्यक है, इसीलिए प्रबंधक को पेशा कहा गया। अगला, नवीन विचारों के अनुसार कार्य करना। नवीन विचारों के अनुसार कार्य, मतलब जब भी कोई पेशे का कार्य किया जाता है तो नए विचारों के साथ किया जाता है, नए अंदाज में किया जाता है, नए ढंग से किया जाता है, जो पहले लोग कर चुके हैं उससे डिफरेंट टाइप का किया जाता है, इसीलिए इसको पेशा कहा गया। एक और चीज विशेष चीज है पेशा परामर्श के रूप में, पेशा परामर्श के रूप में, पेशा परामर्श के रूप में मतलब कंसल्टेंट का काम, मतलब बहुत सारे पेशे ऐसे होते हैं जिसमें हम केवल सर्विस के रूप में उनको राय मशवरा देते हैं। देखिए वो वकील साहब हमारे हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने क्लाइंटों को क्या करते हैं, परामर्श देते हैं कि ऐसे करिए, ऐसे करिए, ये हो जाएगा। डॉक्टर क्या है, परामर्श देते हैं कि भाई आपको फीवर हो गया है, ये हो गया है, अब ये दवा का इलाज कराइए आपको। शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक आपको डायरेक्शन देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि भाई ऐसे पढ़िए, इस सिस्टम से पढ़िए, अच्छे ऐसे पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तो क्या है, परामर्श देने का कार्य करता है। शिक्षक का ये काम नहीं होता है कि आपको पास करा देना, शिक्षक का काम ये होता है कि आपको दिशा निर्देश देना, इस रास्ते पे आप चलिए तभी आप सफल होंगे। इसलिए से पेशा का, पेशे में एक आचार संहिता होती है, आचार संहिता होती है। आचार संहिता का मतलब होता है कि पेशे का भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है जिसके अनुसार कार्य किया जाता है। ऐसा नहीं कि पेशा है किसी को जैसे चाहे, नियम कानून से पेशा प्रोफेशन का एक्ट बना हुआ है, उसके अनुसार उसे कार्य करना चाहिए। तो इस तरह प्रबंध को एक पेशा भी माना गया। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को देखें और देखने के बाद से इसे नोट्स करते हैं, केवल ये टू द पॉइंट्स जो दी आपको बताया गया है इसको बस सुनिए और पॉइंट को याद कर लीजिए, तो एग्जाम में जब लिख दे रहे हैं तो बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। तो इतना नोट करिए, तो फिर उसके बाद मिटाते हैं, तो फिर अगला लेक्चर अभी टॉपिक शुरू करते हैं। तो नोट करिए आप लोग, हाँ तो आप लोग नोट कर लिए होंगे और मैं मिटा भी दिया हूं। अगला जो टॉपिक है प्रबंध का क्षेत्र, क्या टॉपिक है, प्रबंध का क्षेत्र। प्रबंध के कितने क्षेत्र हैं, इसकी स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। प्रबंध के कितने क्षेत्र दिए गए हैं, प्रबंध के मुख्यतः तीन ही क्षेत्र दिए गए, ज्यादा नहीं दिए गए। पहला है प्रबंध का अंतरराष्ट्रीय अर्थ, मतलब प्रबंध का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में कहां कहां किया जाता है। पहला इसका है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र, प्रबंध का अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र का मतलब होता है पूरे देश विदेश में, मतलब पूरे विश्व लेवल पर मैनेजमेंट का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, हर जगह हर स्थान पर किया जाता है, हर एक सेक्टर में किया जाता है, चाहे वो बैंक कंपनी हो, चाहे बीमा हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे बिजनेस हो, या किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, घर परिवार फैमिली किसी से भी रिलेटेड हो, सभी क्षेत्रों में किया जाता है। लेकिन पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसका यूज किया जाता। तो प्रबंध का पहला क्षेत्र है अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र। अगला है सर्व उपक्रम क्षेत्र, सर्व उपक्रम क्षेत्र। सर्व उपक्रम क्षेत्र का उपक्रम माने होता है इंडस्ट्रीज, ठीक ना, जितने भी प्रकार के इंडस्ट्रीज होते हैं,
कल कारखाने कार्यालय वगैरह होते हैं, सभी में मैनेजमेंट का काम किया जाता है, चाहे वो छोटे लेवल का व्यक्ति हो चाहे बड़े लेवल का हो। छोटे वाला अपने छोटे लेवल का मैनेजमेंट करता है, उसके ऊपर वाला उसका करता है, उसके ऊपर वाला उन सबों का करता है। एक कंटिन्यू, जैसे कि कल के लेक्चर में आपको बताए थे कि प्रबंध के स्तर, प्रबंध के तीन स्तर बताए थे आपके, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, ये तीन तरीके। उसी तरह प्रबंध का क्षेत्र भी तीन बताए गए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, पूरे समूचे विश्व स्तर पर भी मैनेजमेंट का काम किया जाता है, सर्वोपरि सभी प्रकार के इंडस्ट्रियों में, उद्योगों में प्रबंध का कार्य किया जाता है। अगला सर कार्यालय, कार्यालय क्षेत्र, सर्व कार्यालय क्षेत्र मतलब चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का, सभी प्रकार के कार्यालयों में प्रबंध का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रबंध का क्षेत्र आता है तो प्रबंध के तीन ही क्षेत्र है, अंतरराष्ट्रीय, सर्वोपरि और सर्व कार्यालय क्षेत्र। ठीक है, अब अगला हम बढ़ते हैं कि प्रबंध के उद्देश्य या महत्व। अगला टॉपिक है प्रबंध के उद्देश्य व महत्व, मतलब प्रबंध का प्रयोग करने से हमें क्या लाभ है, क्या फायदे है, क्या आवश्यकता है, क्यों हम करते हैं, ये प्रबंध के उद्देश्य और महत्व के टॉपिक में पढ़ें। प्रबंध के संबंध में बहुत सारे विद्वान ने कहा है कि प्रबंध एक कार्य कराने की कला है, कोई कार्य कराने की युक्ति कहा है, कोई कार्य मशीन कहा है, कोई पेशा कहा है, तो ऐसे अलग अलग विद्वान अपना अपना मत दिए। कोई कहा है कि जहां पर नियोजन संगठन नियोजन नियंत्रण किया जाता है वो प्रबंध है, तो सब विद्वान अपना अलग अलग मत दिए। कुछ लोग कहे कि दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य कराने की कला ही प्रबंध का होता है। प्रश्न ये उठता है कि प्रबंध के उद्देश्य क्या है, इस मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके महत्व क्या है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं। प्रबंध के महत्व में सबसे पहला महत्व है संसाधनों का सदुपयोग। क्या है पहला? संसाधनों का सदुपयोग। संसाधनों का सदुपयोग का मतलब होता है कि देश में जितने भी संसाधन हैं, प्राकृतिक, अप्राकृतिक, भौतिक, अभौतिक, जितने भी संसाधन हैं, सही तरीके से यदि हम मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंध करेंगे, उन पर नियंत्रण रखेंगे, ठीक ढंग से कार्य करेंगे, तभी उसका सही उपयोग कर सकते हैं। देखते होंगे कि बहुत सारे संसाधन हमारे पास रहते हुए भी, लेकिन उसका सदुपयोग न करने के कारण, सिंपल से एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपके पास गाड़ी है, जैसे साइकिल है, पता चला कि आपके घर में दो तीन गाड़ियां हैं, दो तीन साइकिल, लेकिन किसी में कोई फॉल्ट आया तो उधर फेंक दिए, कुछ किसी में तेल नहीं है, किसी में कुछ और दिक्कत है, मतलब उसको ठीक नहीं कराए, खराब हो गया रख दिए, खराब हो गया रख दिए, लेकिन कभी जब आवश्यकता पड़ी उस समय हम संसाधन मेरे पास होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, तो मैनेजमेंट का रहता है कि उनको खराब हुआ है तो ठीक कराइए, कब आवश्यकता पड़ जाएगी कोई नहीं जानता, जब भी आवश्यकता पड़ी हमारे पास मौजूद है, तुरंत उसका उपयोग हमने किया, तो यह कहलाएगा संसाधनों का सदुपयोग। दूसरा हमारा है तकनीकी ज्ञान और आविष्कारों का सदुपयोग। तकनीकी ज्ञान व आविष्कारों का सदुपयोग। तकनीकी ज्ञान व आविष्कारों का सदुपयोग का मतलब है कि मैनेजमेंट के द्वारा ही जितने भी टेक्निकल काम वगैरह होते हैं, टेक्निकल जानकारियां होती हैं, वो हम प्राप्त करते हैं, जितने भी नए नए खोज आविष्कार होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। देखे होंगे आज इंटरनेट का जमाना, आज मैनुअली बहुत काम कम होता, लेकिन नए से नए वर्जन आ रहे हैं, तो क्या है संसाधनों का नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उनका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, मैनेजमेंट के द्वारा ही करते हैं, कि कम समय में ही अधिक से अधिक काम हम मैनेजमेंट के द्वारा कर सकते हैं, इसमें तकनीकी ज्ञान और आविष्कारों का प्रयोग करके।
तीसरा है सामाजिक महत्व, सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व मतलब होता है कि प्रबंध के द्वारा ही हमें समाज में हमारा इंपॉर्टेंस होता है, हमारा महत्व होता है। सिंपल तौर पे देखिएगा कि मान लीजिए गांव, क्षेत्र, शहर, जहां भी आप रहते हैं, यदि आप लोगों से सामाजिक तौर पर मिलते जुलते रहते हैं, अपनी बात को रखते रहते हैं, चाहे ऐसे समझिए क्लास में, क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ तो होते हैं एकदम चुप साइलेंट, कुछ बोलते ही नहीं, लेकिन बहुत मिलनसार होते हैं, कुछ मिलनसार होते हैं, तो जो मिलनसार होते हैं वो अपनी अच्छाइयों बुराइयों के एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं, लेकिन जो चुप रहते हैं वो अपनी बातों को शेयर ही नहीं करते, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें सामाजिक महत्व भी होना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट का मतलब हम समाज में रहें और चार लोगों को अपने सामने डील करें, तो इसलिए मैनेजमेंट को कहा गया है कि इसका सामाजिक महत्व भी होता है, समाज में भी मैनेजमेंट का काफी इफेक्ट पड़ता है। अगला है बढ़ती हुई औद्योगिक जटिलताएं, बढ़ती हुई औद्योगिक जटिलताएं, बढ़ती हुई औद्योगिक जटिलता का मतलब आज इतना इंडस्ट्रीज में कंपटीशन है, मार्केट में कंपटीशन है, बिजनेस में कंपटीशन है, हर सेक्टर में कंपटीशन है, लेकिन उसमें कंपटीशन में यदि सही ढंग से मैनेजमेंट आप नहीं करेंगे तो अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैनेजमेंट जरूरी है। जिस तरह एक घर परिवार में जो गार्जियन होता है, जो कमाने वाला होता है, सबको मैनेज करके चलता है, उसी तरह सेम मैनेजमेंट में भी बहुत सारी दिक्कत परेशानी आती है लेकिन फिर भी मैनेज करके चलता है, लेकिन उसी तरह बिजनेस में भी अनेकों प्रकार की कठिनाइयां आती है, लेकिन मैनेजमेंट का काम ये होता है उनको नियंत्रण करना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना और जो भी दिक्कत परेशानियां आ रही हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करना। अगला इसमें है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग का मतलब है कि आज मैनेजमेंट के में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए एक आदमी है, एक जगह बैठा है, लेकिन उसके देश में अनेकों ब्रांचेस हैं, उस सिस्टम के द्वारा, चाहे लाइव सेशन के द्वारा, चाहे वीडियो कॉलिंग के द्वारा, वो पूरे समूचे व्यवसाय पर नियंत्रण करता है। अकेले एक जगह बैठकर, एक कमरे में बैठकर पूरे देश, पूरे विश्व पर वो नियंत्रण करने का कार्य करता, वो देखता है कि हमारा कारोबार कहाँ कैसे चल रहा है, सब जगह से सूचनाएं प्राप्त करता है, यही मैनेजमेंट है। अगला है गलाकाट प्रतियोगिता मतलब कि आज बहुत ज्यादा मार्केट में कंपटीशन है, उन कंपटीशनों का सामना वही कर सकता है जो ठीक ढंग से मैनेजमेंट का काम करता है। यदि ठीक ढंग से मैनेजमेंट का काम नहीं करेगा तो उस प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाएगा। अगला बृहद आकार के उत्पादन से लाभ। जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पर उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो वहां लाभ तभी होगा जब मैनेजमेंट ठीक ढंग से करेगा। मैनेजर जब देखेगा कि भाई मेरा सामान कोई वेस्ट नहीं हो रहा है, सही उसका यूज हो रहा है कि नहीं, हम कितना माल मंगाए कि जिसका यूज हो जाए, स्टॉक कम से कम मात्रा में हमारे पास बचे, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। माल जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें किसी प्रकार का वेस्टेज तो नहीं है, वेस्टेज की संख्या कम होनी चाहिए, और हमारे जो कर्मचारी हैं उसको सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो जहां बृहद आकार का उत्पादन होता है तो सही मैनेजमेंट से वहां उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगला है सामाजिक उत्तरदायित्व। मैनेजमेंट हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जन्म देता है। सही मैनेजमेंट करेंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतने ही धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, समाज में आपका दायित्व उतना ही बढ़ता जाएगा, लोग आपको उतने ही ज्यादा महत्व देंगे, यही आपके है मैनेजमेंट के अर्थात उद्देश्य या
महत्व। ठीक है, तो इतना ही काफी है आप लोग के लिए आज का ठीक लेक्चर, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर भी आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर देखिए जो 20-25-30 मिनट का हो, और ऐसे ही कंटिन्यू लेक्चर हमारा चलता रहेगा, आप लोग देखते रहिए। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही जाने हैं, प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध के क्षेत्र और प्रबंध के महत्व। ठीक है, हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे आने वाला वीडियो उन्हें नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ तो एक घंटी भी बना होगा, उस पर बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इनको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उन्हें प्राप्त हो जाए। तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर कल मिलते हैं, तब तक के